सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अभी आइसोलेशन प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आइसोलेशन कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर्स है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रिजर्वेशन पढ़ा रही हूँ। प्रिजर्वेशन में मैंने आप लोगों को दो तरीके से प्रिजर्वेशन होता है, जिसमें एक स्टोरेज एट लो टेम्परेचर मैंने कल बताया था, और साथ ही साथ जो है बाय द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ये भी मैंने बताया था। इसी के अंतर्गत मैं लायोफिलाइजेशन पढ़ा रही थी, जिसको मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो लायोफिलाइजेशन को देखेंगे। लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए की जाती है, मतलब अगर आप लोगों को अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत अधिक समय तक के रखना है सुरक्षित करके, प्रिजर्व करके, तो उसके लिए आप लोग लायोफिलाइजेशन कर सकते हैं। लायोफिलाइजेशन टेक्निक में होता क्या है उसे देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, द ऑर्गेनिज्म इज अलाउड टू ग्रो टू द मैक्सिमम स्टेशनरी फेज ऑन अ सूटेबल स्टेराइज्ड मीडियम। हमको एक ऐसा मीडियम बनाना पड़ेगा जिसमें सभी चीजें उपलब्ध हो जो उसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। जैसे कि नया मीडियम इसलिए बनाते ताकि अच्छे से ग्रो हो सके, तो हमको कोई ऐसा मीडियम, स्टेराइज्ड मीडियम मतलब एकदम स्टरलाइज्ड वाला मीडियम, किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए आपका मीडिया में, ऐसा मीडियम हमको लेना होगा जिसमें हम लोग क्या कर सके अपने जिसमें हम लोग क्या कर सके अपने हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रख सके स्टोर करके। दूसरी चीज जो है जो ध्यान देने वाली वो ये है कि द सेल्स आर सस्पेंडेड इन अ प्रोटेक्टिव मीडियम लाइक मिल्क, सीरम और सोडियम ग्लूटामेट। अब ये जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं इनको रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, इनको रखने के लिए ऐसा नहीं है कि जो मीडियम है वो कल्चर मीडियम ही हो, उसे जैसे कि ग्लिसरॉल पे रखा जाता था वैसे ही उसी प्रकार जो है मिल्क में, ठीक है, मिल्क के अलावा जो है आपका, मिल्क के अलावा है आपका सीरम या फिर सोडियम ग्लूटामेट, इनमें भी आप यूज कर सकते हैं। क्या चीजें हैं, सीरम, मैम आवाज नहीं आ रहा है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। अभी ठीक है आवाज। यस मैम। तो मैं ये बता रही थी कि जो माध्यम जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो सिर्फ कल्चर मीडिया ही नहीं है, हमारा दूसरी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि मिल्क है, सीरम है, सोडियम ग्लूटामेट है, हम इनमें अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। लायोफिलाइजेशन के अंतर्गत जो सेल्स है उसको सस्पेंड करके हम प्रोटेक्टिव मीडियम में, वो प्रोटेक्टिव मीडियम माध्यम के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, मिल्क, सीरम या फिर सोडियम ग्लूटामेट को भी हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सस्पेंशन आर ट्रांसफर टू अ ग्लास एम्पोल। अब एम्पोल क्या होता है आपको ये जानना होगा, एम्पोल के ग्लास होते हैं छोटे छोटे, जो आपके टेस्ट ट्यूब के जैसे रहते हैं लेकिन पतले पतले और इतने छोटे छोटे रहते हैं। वो एम्पोल ग्लास ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस मिल्क को या सीरम को डालते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द एम्पोल्स आर देन फ्रोजन बाय इमर्जिंग इनटू अ फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ ड्राई आइस एंड अल्कोहल एट 78 डिग्री सेल्सियस एंड आर सब्जेक्टेड टू हाई वैक्यूम अंटिल इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कम्प्लीटली। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको मैं बता देती हूँ एम्पोल किसको बोलते हैं, तब आपको समझ आएगी आगे की चीजें। मैं आप लोगों को पहले एम्पाउल किसे बोलते हैं ये बता देती हूँ। देखिए ये एम्पाउल ग्लास इसे बोलते हैं, इंजेक्शन लगता है आप लोगों को तो डॉक्टर क्या करते हैं इसे ही तोड़ते हैं और इसके अंदर से आप लोगों को दवाई को निकाल के इंजेक्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो एम्पाउल में ही हम लोगों को किसे रखना है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन किस फॉर्मेट में रखना है, कैसे रखना है, जैसे कि क्या बताया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारा जो माध्यम था मिल्क, सीरम या सोडियम ग्लूटामेट, इसमें हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करेंगे और फिर उसमें से निकाल कर हम अपने ग्लास एम्पाउल में उसके डाल देंगे। फिर ग्लास एम्पाउल जो है पूरा सील होता है ना, अब ग्लास एम्पाउल को हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने क्या कर लिया, मान लीजिए कि ये जो आपका डायग्राम है, ये जो डायग्राम ओपन किया मैंने, इसमें जो पर्पल कलर का लिक्विड दिखाई जो दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब आपने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, अब आप उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको इसको स्टोर करना है फ्रीजिंग टेम्परेचर में, मतलब एकदम जमने वाले टेम्परेचर पे इसे सेट करना है, पूरा प्रिजर्व करके रखना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं,
ठीक है, दो चीजें हैं जो काम आती हैं, एक तो ड्राई आइस और एल्कोहल। ड्राई आइस इसलिए ताकि वो उसे फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाए, एकदम जमने वाले टेम्परेचर पे, एकदम ठंडे टेम्परेचर पे ला दे। और जो एल्कोहल है, वो एल्कोहल जो है वो क्या करे, उस एल्कोहल और ड्राई आइस को हम 78 डिग्री सेल्सियस पे हाई वैक्यूम इसलिए ताकि वैक्यूम अच्छा रहे, तो पूरा इवापोरेशन हो जाए, कोई भी मॉइस्चर ना रहे उसमें, कोई भी नमी ना रहे, पूरा इवापोरेट हो जाए नमी, तब तक के हम रखे रहते हैं। उसके बाद हम ड्राई आइस यूज करके उसे फ्रीज करेंगे। ड्राई आइस किसे बोलते हैं, देखिए इसे, ये ड्राई आइस है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये ड्राई आइस जो होता है, आजकल ड्राई आइस को बहुत सारी जगह पे आइसक्रीम वाले भी यूज करते हैं। जैसे ही आप आइसक्रीम को खाते हैं तो आपके मुंह से जो है पूरा भाप निकलती है, ऐसे धुआं निकलता है जैसे कि इसमें निकल रहा है, तो ऐसा भी आजकल ड्राई आइस वाले नाइट्रोजन आइसक्रीम्स भी निकलते हैं। ड्राई आइस को हम लोग डायरेक्टली हाथ से छू नहीं सकते हैं, कई बार हमारे हाथ जल सकता है इसमें बोलते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन भी बोलता है कई बार, जो जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। ड्राई आइस को कभी भी छूना नहीं चाहिए हाथ से, तो ड्राई आइस का यूज करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन किस में रखना पड़ेगा, ऐसे एम्पॉल ग्लास में हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, किसे, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एम्पॉल ग्लास में डालने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, एल्कोहल को यूज करना है, ड्राई आइस को यूज करना है, और 78 डिग्री सेल्सियस पे हाई वैक्यूम पे देना है उसे, ताकि पूरा जो मॉइस्चर है वो हट जाए। उसके बाद हम उसे जमाएंगे एकदम ठंडे टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद एम्पाउल को क्या किया जाता है, सील किया जाता है। अभी तक हमने सील नहीं किया था, ये जो एम्पाउल का फोटो मैंने जी दिखाया, एम्पाउल ग्लासेस का, ये सील्ड है अभी, यहाँ से जो जो यहाँ पर से ये सील होते हैं, यहाँ पर तक के पहले वो सील नहीं रहते हैं, पहले वो सिर्फ हमने भर के पहले पूरा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे सील करेंगे। पूरा प्रोसेस होने के बाद अब उसे हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे। ठीक है, इसके लिए दो डायग्राम्स दिए हुए हैं आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ उस डायग्राम को। ये देखिए, ये पहला जो डायग्राम है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, जिसमें जो आपका जो ग्लास फ्लास्क फॉर 10 to 100 स्मॉल वायल्स, इसमें जो है आपके एम्पाउल्स रखे हुए हैं, और इसमें आपके बैक्टीरियल सस्पेंशन, इसके अंदर जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं वो पूरे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर उसमें रखा हुआ है। अब जो है आपने क्या किया, ड्राई आइस प्लस एल्कोहल किसमें रखा हुआ है, इसमें, ये देखिए ये वाले हिस्से में ड्राई आइस और अल्कोहल रखा हुआ है, और ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो वैक्यूम करके रखा हुआ है। आप यहाँ से इसको आपने कहाँ रखा है, अपने एम्पाउल्स जो है उसको आपने एक ग्लास के फ्लास्क में रखा है जिसमें कॉर्क लगा हुआ है, ये कॉर्क वाला हिस्सा है। जूम करके देखेंगे हर एक चीज को तो समझ आएगा, ये कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क से, कॉर्क में पाइप जो लगी हुई है, पाइप से आप क्या पास कर रहे हैं, आप वैक्यूम पास कर रहे हैं, वैक्यूम इससे पास कर रहे हैं ताकि इसमें जितनी भी नमी है वो पूरी सोख ले, इवापोरेट हो जाए। ठीक है, और इसी में ही यहाँ पर से और एक चीज भी क्या जा रही है, ड्राई आइस और अल्कोहल भी जा रहा है जो कंडेंसर में लगा हुआ है। ठीक है, ये डेवर फ्लास्क बोलते हैं इसे, इस टाइप के फ्लास्क को। ये पहला चीज होता है जिसमें हम लोगों ने पहला प्रोसीजर किया, कंप्लीट पूरा मॉइस्चर को निकाल लिया और ड्राई आइस और अल्कोहल दे रहे हैं इसे, ये पहला प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस को हम डेसिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। डेसिकेशन की प्रोसेस होने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है उसमें क्या किया जाता है, वायल्स को निकाल लेते हैं, अब उसे सील करेंगे। ये देखिए सील किया जा रहा है, ये वायल्स को ही बड़े रूप में इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। देखिए वायल जो खुला हुआ था, ये जो ऊपर का जो ट्राइंगल हिस्सा दिख रहा है उसे हम लगाकर इसे सील कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे सील करने के बाद बंद कर दिया, अब उसे हम रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, तो जिससे हम लोग अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय के लिए रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है आपका लाइफलाइजेशन के जरिए, जिसमें आप लोग अपने प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसके लिए अलावा जो है और क्या टेक्निक्स होती हैं उसे देखते हैं। इसके अलावा और एक जो टेक्निक होती है वो है रिपीटेड सब कल्चरिंग, जो भी जो कि एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका होता है और बहुत ही रूटीन तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग स्लांट बना लेंगे आकार के, उसके बाद हम बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर देंगे उसमें और ग्रो करने का वेट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे स्लांट बना के रख लेंगे, जो हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे पास प्रिजर्व करके हमने रख लिए, अब हम 1 महीने के लिए तो उसे प्रिजर्व करके रख ही सकते हैं जितना काम आएगा। उसके बाद जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होने वाला रहेगा ना, फिर से उसे और सब कल्चर कर देंगे, रिपीट कर करके, रिपीट कर करके हम बहुत दिन तक ऐसा कर सकते हैं। तो
तो ये एक तरीका होता है जो कुछ महीनों तक के लिए, लगभग 8 महीने तक के ऐसा रिपीट कल्चर कर करके हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसे मैं लिख कर बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने क्या किया, आपके पास पेट्री प्लेट में मान लीजिए बहुत सारे आपके कल्चर हैं, ठीक है। आपको इसे क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप क्या कर रहे हैं, या तो आप स्लांट बना लीजिए। स्लांट बनाने के लिए आप कैसे करेंगे, आपने क्या किया, ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने स्लांट बना लिया। स्लांट कैसे होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है आपको पता ही है। या तो फिर आप पेट्री प्लेट में अगार डाल दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालिए, एक इसमें भी डाल दीजिए, इसमें भी डाल दीजिए। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करके रख दिया। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि पूरी कॉलोनीज भर जाएंगी। ऐसा आपने एक बार किया, इसके बाद 1 महीने के लिए तो ऐसा करके हम रख सकते हैं, हम तो पढ़ ही चुके हैं। अब 1 महीने जैसे ही कंप्लीट होने वाले रहेंगे, 10 दिन बचा रहेगा, तो हम इसको फिर से इसमें से निकाल के दूसरे ट्यूब में डाल देंगे, दूसरे स्लांट ट्यूब में, ठीक है, और दूसरे पेटी प्लेट में। फिर ऐसे कर करके हम बार बार 8 महीने तक के ऐसे करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने माइक्रोनिज्म को। ये क्या है, रिपीटेड आपके सब कल्चरिंग कहलाती है, रिपीटेड सब कल्चरिंग। इसके एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इसके एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सस्ता मेथड है, इसमें ज्यादा कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें कोई स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट या मशीन की जरूरत नहीं है। हम जैसे बैक्टीरियल कल्चर करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर्स जो रहते हैं, जहाँ पर छोटे तौर पे रिसर्च या फिर रिसर्च सेंटर्स होते हैं या कलेक्शन सेंटर होते हैं, वहां पर ये तरीका अपनाया जाता है, और ये रिट्रीवल इजी होता है, इसमें से अच्छा सक्सेस रेट भी है, और जल्दी से इसमें से हम लोगों को अच्छी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राप्त भी हो जाते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार क्या हो जाता है कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर्स में आपके चेंजेस हो सकते हैं, और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बार बार कल्चर करना, बार बार देखते रहना उसे, बार टेम्परेचर को सही मेंटेन कर रखना, मीडिया सही बनाना, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। और एक तरीका होता है लिक्विड नाइट्रोजन में रखने का। लिक्विड नाइट्रोजन क्योंकि बहुत ठंडी रहती है, तो लगभग इसमें 1-150 से लेकर -196 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर रहता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये था आपका प्रिजर्वेशन करने के कुछ तरीके। प्रिजर्वेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा था स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, जिसमें नॉर्मली फ्रीजिंग हो रही थी। दूसरे हमने देखा लायोफिलाइजेशन, जिसमें दो तरीके हैं, पहले ड्राई ड्राई आपका ड्राई आइस और अल्कोहल से और वैक्यूम से करके फिर रेफ्रिजरेट करना एम्पाउल्स में। फिर तीसरा मैंने अभी जो तरीका बताया वो बताया रिपीटेड सब कल्चरिंग करके, और चौथा मैंने अभी बताया आप लोगों को ड्राई लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है उसे भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आइसक्रीम कैफे वाले जो होते हैं, या फिर कोई कैफे जो किसी स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, या फिर अच्छा आ, आ, आप लोगों का कोल्ड कॉफी हो गया, उसे भी डेकोरेट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, क्योंकि लगातार उसमें जो है धुआं निकलते रहता है। उसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। ये देखिए इस टाइप का जो है लिक्विड नाइट्रोजन, आप लोगों का इस तरह के फ्यूम्स निकलते जाते हैं इनमें से, और ये जो फ्यूम्स है लगातार जो है निकलते जाते हैं जब तक ये एक्टिव रहता है तब तक के। और इसके अलावा जो और अच्छे से देखना है, इसे डेकोरेशन के लिए या डेकोरेशन के लिए और किसी फूड के अच्छे से सर्व करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए खाने की चीज को, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, बहुत कम रहता है, इसलिए इसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन का एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टोरेज एट लिक्विड टेम्परेचर। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन में रखने के लिए आपको ग्लिसरॉल में पहले मिलाकर आपको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसके डिसएडवांटेज भी है, लेकिन कुछ लिक्विड नाइट्रोजन के, जैसे कि बहुत जल्दी ये उड़ जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन जो है इवापोरेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है अपनी क्वालिटी को खो देते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है। और ये बहुत ज्यादा महंगा मेथड है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। लिक्विड नाइट्रोजन को लाना अपने आप में बहुत महंगी चीज होती है, इसलिए जो आइसक्रीम पार्लर वाले या फिर जो कैफे वाले लिक्विड नाइट्रोजन के साथ डेकोरेट करके चीजों को प्रेजेंट करते हैं, या लिक्विड नाइट्रोजन वाली आइसक्रीम भी जो रहती है वो बहुत महंगी रहती है, ठीक है।
हालांकि कुछ इसके अच्छे भी हैं, मतलब एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसमें जो है बहुत दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छे फ्रीज ड्राइंग होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो इसमें इस कंडीशन में अगर लिक्विड नाइट्रोजन अगर आपका बहुत अच्छा कंडीशन में है आपके पास, और लिक्विड नाइट्रोजन में आपने अपने कल्चर माइक्रोबियल कल्चर को रखा है, तो अच्छा मेंटेन करके अगर आप रखोगे तो 10 से लेकर 30 साल तक के भी आप अच्छे से रख सकते हो। तो 30 साल तक भी रखना अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कितना बड़ी बात है, सोचिए कि 10 से लेकर 30 साल तक भी आप बिना किसी डिस्टरबेंस के उसे, बिना उसके कैरेक्टराइस्टिक के, बिना किसी प्रॉपर्टी चेंज हुए, बिना लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आपका लिक्विड नाइट्रोजन अच्छी कंडीशन में आपने मेंटेन करके रखा है तो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, ये आपके मैंने कुछ तरीके बताए जो आपका इसके लिए था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखने के लिए। इसके अलावा ड्राइड कल्चर भी रहते हैं, पूरा कंप्लीट सुखा कर भी उसे रखा जाता है, पूरे मॉइस्चर को आप निकाल लीजिए और एकदम अच्छे तरीके से क्लीन क्लीन करके, और पूरा क्लीन तरीके से अच्छे से ड्राई करके भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप लोग, जिन लोग नॉनवेज खाते होंगे, फिश खाते होंगे, सूखी मछली खाते हैं, कई लोग मछली को सुखा कर बहुत दिनों तक के लिए रखा जाता है। कई लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा कि खाने की कुछ चीजों को, भाजी को या फिर सब्जियों की कुछ चीजों को सुखा कर रखा जाता है, कुछ भाजियों को सुखा कर रखा जाता है, बाद में उन्हें बनाया जाता है, और आम के, जो आम के पीसेस को काट कर भी उन्हें सुखा कर रखा जाता है, खटास के लिए फिर उन्हें यूज किया जाता है। तो क्यों कर कैसे रखा जाता है, ड्राई करके, क्योंकि गीला करके रखेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, लेकिन आप उसे पूरा सुखा देंगे, सन ड्राई करेंगे, धूप में सुखा कर रखेंगे, तो वो बहुत दिनों के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप। तो ये एक तरीके होते हैं आपके प्रिजर्वेशन के, एक तरीके हुए, और इन्हें मेंटेन करने के तरीके भी इन्हीं में बताए गए कि क्या मेंटेनेंस के लिए इन्हें क्या क्या करना होता है, जैसे कि ग्लिसरॉल यूज करना रहता है, क्रायो प्रिजर्वेंट डालने होते हैं, मेंटेन करके रखना होता है टेम्परेचर को। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, आइसोलेशन, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है, क्यों प्रिजर्व कर रहे हो करके अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है, तो ये सबसे पहली बात तो आपको ये बोलना है कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करना चाहते हैं, लेकिन हर बार उसके स्ट्रेन हम नहीं खरीद सकते हैं, तो उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाकर प्रिजर्व करके रखा जाता है, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व करके नहीं भी रख रहे हैं, तो जहां से वो लेकर आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर मेरी कोई फूड की कंपनी है, मैं अगर डेयरी इंडस्ट्री चला रही हूँ, मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डेयरी की, और मैं जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खरीद के लेकर भी आ रही हूँ, तो मैं जहाँ से लेकर भी आ रही हूँ तो वो मुझे दे रहा है, तो उसके पास प्रिजर्व करके रखा है उसने, इसलिए तो दे पा रहा है, तो उसने भी जो प्रिजर्व करके रखा होगा वो भी तो मेथड्स अप्लाई किया होगा बहुत सारे। तो एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, कि प्रिजर्व करके हम उसे यूज करेंगे आगे जाके, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, चाहे खाने की चीज की प्रोडक्ट हो, दवाइयों के लिए हो, पेय पदार्थ हो, तो कोई भी चीज के लिए जिससे आपका फायदा हो, किसी चीज का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो उसके लिए, या फिर कल्चर ही करने के लिए क्यों ना हो, जरूरी नहीं है सिर्फ कुछ चीज का प्रोडक्ट बन रहा है उस फायदे की, आप जो चीज रिसर्च करने वाले यूज करते हैं, तो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन्स उनके पास नहीं रहते, उनको खरीदना रहता है, तो प्रिजर्व करके रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हर बार माइक्रोऑर्गेनिज्म को मिट्टी से निकालेंगे तो नहीं, तो प्रिजर्व करके रखना जरूरी होता है, और इसलिए हमने प्रिजर्वेशन के मेथड देखे, उनके मेंटेनेंस के मेथड देखे, और आइसोलेशन करने के तरीके देखे। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा। एक डाउट आया था अभी कि सीरम किसे बोलते हैं करके, साक्षी ने क्वेश्चन पूछा था, तो सीरम को मैं बता देती हूँ कि किसे बोलते हैं सीरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरम किसे बोलते हैं, सीरम जो है आप लोगों का ब्लड में पाया जाने वाला सीरम होता है, जिसमें आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा आपका जो रेड क्लॉट्स जो जमाते हैं, आरबीसीज नहीं रहते हैं, सीरम से लिक्विड पार्ट होता है जो आपका नॉन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ऐसे एजेंट रहते हैं। सीरम बहुत सारे रूप में आते हैं, प्रोटीन के रूप में भी सीरम आते हैं, आप लोग सीरम को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, सीरम बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनको फेस पे लगाया जाता है मेकअप करते टाइम, कई लोग बालों पे, बाल धोने के बाद जो है आप लोग लिवॉन जो लगाते हैं, ये स्ट्रिक्स हेयर सीरम लगाते हैं, वो भी सीरम के फॉर्मेट में ही रहता है, जिसे आप बाल पे लगा के ऐसे करते हैं तो बाल आपके स्मूथ हो जाते हैं, जो
सीरम बहुत सारे रूप में होते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी के रूप में अगर आप पूछें, बायोलॉजी में आपका सीरम क्या चीज है, सीरम किस रूप में यूज किया जाता है, तो सीरम की अगर मैं बात बोलूं तो सीरम इज नथिंग बट सीरम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, सॉरी क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, मैंने ये बता दिया था, क्लॉटिंग में रोल प्ले नहीं कर, हाँ क्लॉटिंग में रोल ये प्ले नहीं करता है, मतलब जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोसाइन जो होता है जिसकी वजह से खून का थक्का जमा होता है, खून का थक्का जमने में ये रोल प्ले अपना नहीं करता है, लेकिन ये ब्लड में पाया जाता है लिक्विड के फॉर्म में, इसमें बहुत से प्रोटीन उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित होते हैं, हार्मोन्स उपस्थित होते हैं, तो ये सीरम होता है, ये ह्यूमन बॉडी के सीरम के बारे में मैंने बात बताया। और सीरम कहाँ पाया जाता है अगर बात की जाए, तो सीरम आपके ब्लड में पाया जाता है, और आपके ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है प्लाज्मा और सीरम, ये दो चीजें आपके ब्लड में पाई जाती हैं, ठीक है, तो सीरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीरम जो है आप लोगों के ब्लड ग्रुप जो होते हैं अलग अलग हर किसी के, वो सीरम की वजह से ही आपका ब्लड ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आप लोगों का जो सीरम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीरम प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है, एक सीरम प्रोटीन के लिए बहुत मायने रखता है, तो प्रोटीन सॉरी प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है, तो सीरम मतलब प्रोटीन के ही पार्ट में या सीरम के, सीरम में भी हम प्रोजर्व करके रख सकते हैं, सीरम में हम डाल देंगे माइक्रोजम को, उसके बाद उसे पूरा फ्रीज कर देंगे, जमा देंगे, जिससे हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तो ये तरीका हुआ आपके प्रिजर्वेशन का, तो हमारा आइसोलेशन का तरीका, और इसके अलावा हमारा प्रिजर्वेशन का तरीका, और हमारा मेंटेनेंस, कि हम मेंटेन कैसे रखें उस प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो ये तीनों तरीके हमने पढ़े हमारे आइसोलेशन प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत, ठीक है, तो ये हमारे कुछ तरीके थे, आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर हुई होंगी।